व्हाट इज अप, टुडे इज 11th ऑफ जून, सुबह का 7:30 बज रहा है। आज हम लोग छत पे लेटे थे और सो रहे हैं, छोटू अभी भी सो रहा है, लेट में सोया था काफ़ी, तो अब चल रहे हैं नीचे और फ्रेश होते सो के छोटू को उठाते हैं। छोटू 7:30 बज रहा है, धूप आ रही, चलो नीचे चलो। सो 9 बज रहा है, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। साढ़े 10 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं अमिया लेने। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आम का बाग है जिसे लकपेड़ा बोलते हैं। तो चलिए, लोकेशन बहुत बढ़िया है, आपको दिखाते हैं। गाइस, अब जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे आम के पेड़ हैं और ये है लकपेड़ा, मुआए का सबसे फेमस। यहाँ पे 1,00,000 आम के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना गहरा है। अभी हम आपको इसके अंदर ले चल रहे हैं, अभी तो हम इसकी बाउंड्री पे चल रहे हैं साइड। ये करीबन कम से कम नहीं तो 5 या 6 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है, आप बस इसकी बाउंड्री देखिए। अंदर जाते हैं, यहाँ पे गाइस छोटू का 10th क्लास का सेंटर आया था एग्जाम का, 12th का नहीं है, अगर 12th हाँ इस साल 12th है, ये लौंडा पास नहीं हुआ 12th अगर इस साल होता पास हो जाता, बट इसका अब चालू होगा 12th और मेरा गाइस 11। गाइस हमने अभी सिर्फ आपको एक साइड की बाउंड्री दिखाई है, अंदर को बहुत ही गहरा है, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूरे खेत है। अब हम आपको थोड़ा सा अंदर ले जाके दिखाएंगे कि कैसा है लकपेड़ा। गाइस अभी मैंने आपको रथ नहीं दिखाई है, पूरे प्लान दिखाई है। अब हम लकपेड़ा के अंदर आ चुके हैं, कितना अच्छी जगह है, बस पूरे आम के ही पेड़ का इस चारों तरफ। यहाँ पे इसके आम भी दिखते हैं गाइस, 75 एकड़ में। गाइस ये जो लकपेड़ा है ये 75 एकड़ में फैला हुआ है। 1,00,000 पेड़ है अभी भैया इसमें? अब नहीं है, पहले थे। अब कितने रह गए होंगे तब भी? अब 1,000 पेड़ 99,000 चले गए। अच्छा, 99,000 चले गए, 1,000 बचे हैं। सो गाइज हम यहाँ पे तुड़वा रहे हैं ताज़ी अमियाँ, दशहरी हैं, कौन सी हैं? दशहरी अमियाँ तुड़वा रहे हैं और अब हम बनाएंगे इसकी घर पे जाके चटनी। गाइज नंबर दिखाइए इन लोगों को, कहाँ नंबर लिखे हैं? पड़े हुए हैं कहाँ कहाँ पड़े? अच्छा हाँ गाइज, सारे पेड़ों पे नंबर भी पड़े हुए हैं, भैया बता रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को लगा था 1,00,000 पेड़ होंगे, पर गाइस ये जो पूरा लकपेड़ा है ये यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, इसमें पूरे के पूरे 1,00,000 पेड़ थे। बट यार जानते हो पेड़ कितने काटे जाते हैं क्या होता है, तो अब बता रहे हैं कम से कम कितने, सिर्फ 4-5 हज़ार ही बचे हैं ना। हाँ। सिर्फ अब 4-5 हज़ार ही बचे हुए हैं, सारे पेड़ काट डाले गए, वरना ये बहुत ही बड़ा था और अभी भी ये 75 एकड़ों में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है गाइस। जहाँ तक पूरा पुआ है, शाहजहाँपुर, हरदोई में ज़्यादातर सप्लाई आमों की यहीं से होती है, बहुत ही बड़ा है गाइस। कितने पेड़ होंगे? 50 साल पहले थे 1,00,000 के। 50 साल पहले 1,00,000 तक थे, इतने काटे में रह गए 1,000 पूरे 1,000 काटे गए ना। इसमें देखो ना आगे वो बाग है, वो सब था तो इसी में ही, सब कुछ वो सब कटा हुआ है, ये सीलिंग है यहाँ पे, ये सब इसी में थी। 50 एकड़ की तो सीलिंग है वहाँ तक। ये होगा भी पुराना, 100-200 साल पुराना तक तो होगा ये बाग, 100 साल पुराना। हाँ, जो राजा के पापा पाओगे उन्होंने बनवाया होगा। पापा के पापा ने रखवाया था। अच्छा, राजा साहब के पापा ने।
गाइस हमने 2 किलो अमियां ली हैं ताज़ी ताज़ी और अब हम बनाएंगे जाके इसकी चटनी। सो गाइस छोटू को भी अभी कंफर्म जानकारी नहीं थी, छोटू को भी लगता था कि 1 लाख पेड़ ही है यहाँ पे, बट आज भैया ने हम लोगों को बिल्कुल सही जानकारी बताई कि इसमें थे तो 1 लाख पेड़ ही, पूरा 1 लाख से बल्कि ज़्यादा थे। बट इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ ना गाइस कि क्या बताएं, पूरा का पूरा ये जो लकपेड़ा था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ 1000 पेड़ बचे हैं। फिर भी वो गाइस 75 एकड़ में 75 एकड़ में फैला हुआ है और उन लोगों ने इसका ठेका जो है 70 लाख रुपए में लिया है, 1 साल का ठेका 70 लाख रुपए में, समझ रहे हो कितना बड़ा है। सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, गेट खोलो छोटू। गाइज ये जब व्लॉग अपलोड हुआ है 1 बजे से ये लड़का सो रहा है और 5 बजने जा रहा है, देख रहे हो मतलब कितना चिल। छोटू छोटू समोसे खाओ, चल के समोसे ले आए, खाओ चल के। छोटू उठो व्लॉग में आ रहे, उधर देख लो। अच्छा ऐसे नंग धड़ंग तुम्हें व्लॉग में लेंगे आज हम। गाइज हम लोग समोसे खा रहे हैं और समोसे का नाम सुन के देखिए कितनी जल्दी उठ के आ गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस ये आपके क्रिएटर साहब उठकर इतनी तेज भुक्कड़ों की तरह खा चुके हैं, उसके बाद हमें जगा रहे हैं। गाइस कह रहे हैं कि भुक्कड़ है, भुक्कड़ तुम हो, तुम खा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे समोसे का नाम सुन के उठे, मतलब तुम ही समोसे का नाम सुन के उठे हो, ठीक है। हम तो समोसे लेके आए हैं सत्यम के साथ। गाइस ये आधा सीन आपको कट करके दिखाएंगे, हमें पता है। ए शाबाश बिग बॉस नहीं है, ठीक है। ये 6 बजने जा रहा है और हम लोग समोसे वमोसे खा चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए। अभी हम ले रहे हैं पुआई की मशहूर रबड़ी, पुआई की मशहूर है रबड़ी गाइस, इनके मंदिर के पास ठेला लगता है लेकिन ये यहाँ पर लगाते हैं, बहुत ही मशहूर है रबड़ी। गाइस लो सबसे बड़े आप हैं, आप लें सबसे पहले। सो गाइस हम यहाँ की रबड़ी फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं, बताते हैं कैसी है। अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और आपको कैसी लग रही है, लपड़ घुंडन की तरह खाया पड़े। सो रबड़ी खाने के बाद अब हम आए हैं टिक्की खाने के लिए, जो कि है पुआई की मशहूर। गाइस कितना नाइस कॉन्सेप्ट है, मीठा खाने के बाद चटपटा खा रहे हैं। सही बात, मीठा खाने के बाद हम लोग चटपटा खा रहे हैं। गाइस हमारी टिक्की आ चुकी है, सत्यम लेने के लिए खड़े हैं। छोटू आप क्या लेंगे, छोटू लेंगे मिर्च जो वो रखे हैं लंबे लंबे। ये देखिए गाइस ये लड़का अपने मिर्चे ले आया है लंबे लंबे बड़े बड़े। बड़ा हरामी हो बेटा। सो हम लोग खा पी के 7-8 बजे तरफ आ गए थे और अभी बज रहा है 11:30 और मैं इस वाले व्लॉग को एडिट कर रहा था। और गाइस कल का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला होगा, उसमें एक सरप्राइज है। तो इस वाले व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग को एंटर देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच। कल का व्लॉग जरूर देखना।